हेलो बच्चों, आज मैं फिजिक्स का आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वर्क, जिसको बोलते हैं कार्य। चलिए हम बताते हैं क्या होता है वर्क। देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं वर्क। ध्यान दीजिएगा कि फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो ये आपका जो डिफिनेशन मैंने दिया है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क का फार्मूला है। और फोर्स इसमें, इस फार्मूले में हम को जब भी आप डिफाइन करेंगे, जिसमें एक बार जरूर बोलना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखिए, फोर्स मैंने इधर लगाया है तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, देखिए क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। और क्या बताएं, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये होगा जूल। क्या होगा, जूल होगा। सीरियस यूनिट में इसका जो आपका एसआई क्या होगा, अर्ग होगा। ठीक, एक जूल में जो होता है, वन जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10^-7 अर्ग। ठीक, वर्क में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, वर्क नहीं हो रहा है। सपोज करिए, एक चीज बताते हैं आपको, सपोज करिए कि एक ये आपका जो है, एक आपका चट्टान है, या यहां एक आपका जो है तिजोरी है। अब इसको हम लेबर लगा के धक्का, इस पे लेबर धक्का दे रहा है, लेकिन क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब क्या होगा, इसमें फिजिक्स के हिसाब से क्या होगा, वर्क क्या हुआ, फिजिक्स के हिसाब से आपका वर्क हुआ जीरो। क्या हुआ, लेकिन लेबर मानेगा, लेबर तो लड़ाई कर गया, हम तो शाम तक प्रयास किए लेकिन ये खिसका तक नहीं, तो लेकिन हम क्या करेंगे, शाम को उसकी मजदूरी दे ही देते हैं। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वर्क का जो डिफिनीशन आया है वो क्या आएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीपल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। सीरियस यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। लेकिन इसमें, इस फार्मूले को जब आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी इधर हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, इसी के डायरेक्शन में हुआ। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि किस कंडीशन में आपका वर्क डन जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब हम धक्का तो दिए लेकिन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क जीरो होगा। चलिए, एक आगे आपको हम बताएंगे कि जीरो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको इस चीज को बताएं। चलिए, हमको पूरा आशा है कि वर्क आपको समझ में आया होगा। वर्क क्या होता है, मैंने बता दिया कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सीरियस में इसका अर्ग होता है। ठीक, मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी क्या, फिजिक्स कहता है कि वर्क नहीं होता है, वो जीरो होगा वर्क। चलिए, हमको पूरा आशा है कि वर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो में आगे और बना रहा हूं,
जिसमें आपको जीरो आपका वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, तीनों को हम डिफाइन करेंगे। और इसमें ये जरूरी भी नहीं है कि हम वर्क जो है स्ट्रेट ही लगाएं, हो सकता है कि वर्क जो है आपका हम फोर्स जो होता है किसी एंगल पे लगाएं, जैसे कूड़ा गाड़ी वाला जो होता है क्या, कूड़े गाड़ी को क्या करता है, ऐसे लगाता है 45 डिग्री के उसमें लगाता है, फोर्स लगाता है। या एक एग्जांपल और समझिए कि ट्राली बैग जब आपको आप लेट चलते हैं तो क्या फोर्स ऐसे लगाते हैं, क्या फोर्स ऐसे लगाते हैं नहीं, आप फोर्स लगाते हैं ट्राली बैग को ऐसे, देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं आप। और कूड़ा वाला गाड़ी का फोर्स कैसे लगाता है, ये ठेला वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है इस गाड़ी को। बस समझ रहे हैं, तो अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे आपको। चलिए, धन्यवाद।